असलम टू ऑल दूडेंट्स ऑफ क्लास एट एंड ऑल द लिस्नर्स आज हम आज हम सबक हॉकी की मशक करेंगे एक्सरसाइज करेंगे इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं मुश्किल अल्फाज के मतलब हम देख चुके हैं अभी हम इसकी मशक करने जा रहे हैं तो पहला जो सवाल है सवाल नहीं क्या है सवाल ठीक है पहला जो सवाल है वो है हॉकी सबक हॉकी के मुताबिक ये जो सबक हॉकी है जिसकी हमने रीडिंग की है जिसके हमने मशहूर अलफाज देखे हैं उसके मुताबिक अपने मुताबिक नहीं अपने जहन के मुताबिक नहीं बल्कि सबक हॉकी के मुताबिक दर्ज ऐल ये जो दर्ज है सवालत इनके हमने सवाल ये सीन के ऊपर पेश होती है सवालत ने कहना आपने सवालत दर्ज ता मुख्तर जवाब लिखे तो आपने अपनी कॉपियों पर मुख्तसर जवाब लिखने हैं तो पहला सवाल क्या है जी पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है तो कॉपी आपके सामने होगी पेंसिल और पेन आपके हाथ में होगा तो लिखना स्टार्ट कर दें पहला पहले सवाल का जवाब क्या है पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है इसका जवाब है हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है पहला सवाल हो गया कंप्लीट क्या है पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है जब आप रीडिंग करेंगे दोबारा जाए मजमून पर वहां जाकर पढ़ें तो आपको इसका जवाब लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा वहां से देखकर आप लिख लें ठीक हो गया दूसरा सवाल देखते हैं जी बे खेल एक खिलाड़ी में क्या उसाफ पैदा करता है खिलाड़ी में खेल जो है वो क्या उसाफ पैदा करता है उषाफ का मतलब होता है खूबियाँ आपके उसाफ बहुत अच्छे हैं मतलब आपके आप में बहुत से उसाफ हैं यानी आप में बहुत सी खूबियां हैं तो खेल एक खिलाड़ी में क्या उसाफ पैदा करता है क्या खूबियाँ पैदा करता है खेल से इंसान में या खिलाड़ी में कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं तो इसका जवाब भी आपको अगर आप मजमून पढ़ें दोबारा जाके रीडिंग करें गौर से देखें तो वहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा मैं भी यहाँ से पढ़ देता हूँ खेल से खिलाड़ी की जिसमानी सेहत बेहतर होती है खेल से क्या होता है खिलाड़ी की या इंसान की क्या होता है जिसमानी सेहत बेहतर होती है वो सेहतमंद रहता है वो बीमार नहीं होता ठीक हो गया वो असूलो जवाबत की पाबंदी करना सीख जाता है क्या करता है उसूल के मुताबिक जिंदगी बसर करना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी को उसूल के मुताबिक गुजारना सीख जाता है वह कानून की पैरवी करना सीख जाता है ठीक है ना तो ये खेल उसको सिखा देता है एक तो वो सेहतमंद रहता है बीमारियों से दूर रहता है उसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना सीख जाता है उसमें बर्दाश्त पैदा हो जाती है और क्या होता है खेल खिलाड़ी में फराख दिली यानी वो खुले दिल का हो जाता है उसका दिल दिल फराख हो हो जाता जाता है है उसमें तंगी नहीं होती वो खुले दिल का हो जाता है. हर एक को माफ कर देता है हर एक से अच्छी अच्छी बातें करता है गुस्सा नहीं करता ये चीज आ जाती है बुलंद हौसलगी उसमें हौसला बढ़ जाता है हर काम में उस, उसका हौसला जो है ना बढ़ जाता है कहता है ये काम तो मैं कर सकता हूँ मेरे में बहुत हौसला है इस काम को करने में तो हौसला बढ़ जाता है और मुसलसल मेहनत करने जैसे औ साफ पैदा करता है क्या खेल मुसलसल मेहनत खेल क्या आपको सिखाता है मुसलसल मेहनत एक दफा हारे फिर आपने कहाबारा आप खेलता हूँ फिर हारे फिर आपने कहा फिर खेलता हूँ फिर खेलता हूँ एक वक्त आता है कि आप जीत जाते हैं तो खेल ने आपको क्या सिखाया मुसलसल मेहनत करना सिखाया हारने के बाद किस तरह अपने आपको दोबारा जीत की तरफ लेकर जाना है ये खेल ने आपको सिखाया तो खेल ये सारी चीजें सिखाता है ये आप लिख लें ठीक हो गया तो इस तरह हमारा पार्ट भी हो गया अब हम देखते हैं जीम क्या है जीम सवाल है पाकिस्तानी हॉकी के चंद नाम खिलाड़ियों के नाम लिखे नाम मतलब मतलब होता है मशहूर तो जो पाकिस्तानी हॉकी के चंद नाम वर खिलाड़ी गुजरे हैं यहाँ जो मौजूद है उनके नाम लिख लें तो क्या नाम है नसीर बंदा आतफ हमीदी शमी अख्तर रसूल हसन सरदार मंजूर जूनियर सलीम शेरवानी शरवानी रशीद जूनियर तो ये सारे नाम है इस तरह इनमें से आप चंद नाम लिख लें कॉपी पर तो ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर ये सवाल आ जाए तो ठीक हो गया ये भी सवाल हो गया अब हम देखते हैं बाल हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है ये आपने अब लिखना है तो इसका जवाब क्या है हॉकी के मैदान की लंबाई इक्यानवे इशारिया चार यानी 91.4 ये लंबाई है इसकी और चौड़ाई है 55 मीटर होती है चौड़ाई कितनी होती है चौड़ाई 55 मीटर यानी 55 और लंबाई कितनी होती है इक्यानवे इशारिया चार यानी 91.4 ओके तो ये था इसका जवाब इस सवाल का ठीक हो गया तो आखिरी सवाल क्या है जी हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की पोजिशनों के नाम लिखें तो ये जब आपने रीडिंग जब हमने रीडिंग की थी तो वहां पर हमने इन पोजिशनों के बारे में पढ़ा था जब आप वहाँ दोबारा उस पेज पर जाएंगे तो आपको खिलाड़ियों की पोजिशने हॉकी के मैदान में मिल जाएंगी मैं एक दफा पढ़ भी देता हूँ ठीक है हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की पोजिशने ये होती हैं कौन कौन सी गोलकीपर लेफ्ट फुल बैक राइट फुल बैक राइट फुल और राइट हाफ सेंटर हाफ लेफ्ट हाफ क्या हो गया राइट आउट राइट इन सेंटर फॉरवर्ड लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन तो ये पोजीशनें हैं अब आप जाने दोबारा रीडिंग करें तो आपको ये पोजीशनें वहां लिखी हुई मिल जाएंगी तो इस तरह आपके ये पांच के पांच सवालात जो हैं ना वो हो जाएंगे आप उनको आराम से लिख लेंगे समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे तो इसी के साथ हमारा जो पहला सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है अब हम दूसरे सवाल की जानब बढ़ते हैं दूसरा सवाल क्या है जी दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि सबक हॉकी के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें तो हॉकी जो सबक है उसके मुताबिक हमने दुरुस्त जवाब देने हैं अपनी मर्जी या अपनी अकल से नहीं ठीक है जो हमने पढ़ा है मजमून उसके अकॉर्डिंगली हमने जवाब देने हैं तो पहला है पाकिस्तान के हॉकी स्टाइल को कहा जाता है Dakar, क्या कहा जाता है यूरोपीय स्टाइल कहा जाता है अमरीकी स्टाइल कहा जाता है एशियाई स्टाइल कहा जाता है या, या हिंदुस्तानी स्टाइल कहा जाता है तो है। इसका जवाब है एशियाई स्टाइल कहा जाता है ठीक है तो ये इसका जवाब है है पाकिस्तान ने 1960 में यानी 1960 में रोम के ओलंपिक्स खेलों में जीता क्या जीता कांसी का तमगा जीता पीतल का तमगा जीता क्या तलाई का तमगा जीता तो इसका जवाब यही है तलाई का तमगा जीता तलाई मतलब सोने का गोल्ड मेडल ठीक है तो ये इसका जवाब है जीम है पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली मरतबा बैन अवी मुकाबलों में शरीक हुई कब शरीक हुई बैन अल्कवी का क्या मतलब होता है का मतलब ही हमने देखा बैन अलाकवामी जब दो मुल्कों के दरमियान कोई मुकाबला हो तो उसे हम बैन अलावा कहते हैं दो मुल्कों के दरमियान कोई चीज़ हो तो उसे बैन अवी कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे ओके okay? जब दो शहरों के दरमियान हो तो वो घरेलू होती है डोमेस्टिक मुकाबले होते हैं तो पाकिस्तान हॉकी टीम पहली मरतबा बैन अलावा मुकाबलों में यानी दूसरे मुल्कों से मुकाबला करने के लिए कब शरीक हुई इसका जवाब है नाइनटीन फोटी एट यानी कि उन्नीस सौ अड़तालीस ठीक हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट है एक मैच के दौरान में एक टीम को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तब्दील करने की इजाजत होती है चार चार खिलाड़ियों को एक टीम जो है ना वो एक ही मैच के दौरान तब्दील कर सकती है उनको इजाजत होती है और आखरी है हॉकी की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं ग्यारह और दो टीमें होते हैं बाईस और तीन टीमें होते हैं तैंतीस और चार टीमें होते हैं चवालीस ठीक है तो यहां एक टीम के बारे में पूछा गया है, तो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं तो ये दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या है तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया है कि मुरकब अल्फाज के मानी लिखे ये मुरक्ब अल्फाज इनके माना हमने लिखने हैं पहला लफ्ज क्या है फराख दिली तो इसका मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा फराख दिली का मतलब होता है खुले दिल से फराख दिली का मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए मेरे सामने हर किस्म के खाने रख दिए उसका दिल बहुत फ़राख था खुला था मैंने शरबत मांगा तो उसने शरबत दिया मैंने पानी मांगा था उसने फिर शरबत दिया इतना उसका फराख दिल था तो फराख दिली का मतलब होता है खुले दिल से ठीक हो गया नेक्स्ट है जहद मुसलसल जहद का मतलब होता है कोशिश मुसलसल का मतलब होता है लगातार तो इसका मतलब हुआ लगातार कोशिश मुसलसल कोशिश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है थीके? तो नेक्स्ट है नामवर नामवर का मतलब होता है मशहूर मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई बहुत नामवर टीचर हैं बहुत मशहूर टीचर हैं लगातार कोशिश हम लगातार कोशिश से इम्तहान में कामयाब हो सकते हैं ठीक हो गया तो ये था खातिर खा खातिर खा का क्या मतलब होता है ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसने मेरी खातिर खा खिदमत की यानी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खिदमत की मैंने कहा जी मैंने तो बर्गर खाने हैं तो उसने बर्गर ला दिए मैंने कहा मैंने पिज्जा खाना है उसने पिज्जा ले आया मैंने कहा अब तो मैंने बरानी खानी है तो वो कहता चलो ठीक है मैं मतलब बिरयानी ले आता हूँ तो जो जो ख्वाहिश का इजहार मैंने किया उसने मेरे दोस्त ने ख्वाहिश को पूरा किया इसका मतलब उसने खातिर ख्वा मेरी तोज़ो की मेरी खिदमत की तो खातिर खवा का मतलब हमने देख लिया ख्वाहिश के मुताबिक मैं जब भी अपने नानों के घर जाता हूँ तो मेरी खातिर ख्वा खिदमत होती है हमारी खातिर ख्वा खिदमत होती है इसका क्या मतलब ख्वाहिश के मुताबिक खिदमत होती है तो ये था खातिर खा का मतलब नेक्स्ट है रवाज देना रवाज देना मतलब आम करना मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो वर्जिश को रवाज दे देता हूँ यानी वर्जिश को आम कर देता हूँ मैं सबको कहता हूँ चलो सुबह सुबह वर्जिश करने जाते हैं तो रवाज देना मतलब आम करना इस्लाम को आम करना है हमने इस्लाम को रवाज देना है हमने इस्लाम की तलीमात को रवाज देना है लोगों को नेकियों की तरफ लाना है हमने नेकियों का रवाज देना है नेकियों को आम करना है हमने इस्लाम की तालीमत को आम करना है तो रवाज देने का मतलब भी हमने देख लिया नेक्स्ट है शानदार शानदार मतलब अलीशान बुलंद आपका घर बहुत शानदार है आपका घर बहुत आलीशान है बहुत बुलंद है बहुत खूबसूरत है ठीक हो गया सफे अवल सफ अवल का मतलब पहली सफ़ का मतलब कतार पहली कतार पहली सफ़ ठीक हो मैं तो सफ़े अवल में नमाज पढ़ूंगा जमात के साथ जमात के साथ सफ़े अवल में इमाम साहिब के पीछे नमाज पढ़ूंगा उसका ज्यादा सवाब है पहली कतार में खड़ा होकर मैं नमाज पढ़ूंगा तो इस तरह हमारा एम होना चाहिए टारगेट होना चाहिए तो सफ़े अव्वल का मतलब पहली कतार पहली सफ तो इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ अब हम चौथा सवाल करते हैं चौथा सवाल क्या है जी सबक के मुताबिक शतर अलिफ के अल्फाज को शर बे में दिए गए उनके मुतजाद यानी उलट से मिलाएं ठीक है तो ये अलिफ है इसमें जो अल्फाज हैं इनमें हमने शतर बे में से ढूंढने हैं इनके उलट तो पहला क्या है नाकामी तो नाकामी का उलट क्या होगा कामयाबी भाई आप तो नाकाम हो गए दूसरा कहते मैं तो कामयाब होगा नाकाम कामयाब नाकामी का उलट कामयाबी कदीम का मतलब होता है पुराना तो इसका उलट क्या होगा जदीद यानी नया आपके पास कदीम मोबाइल है मेरे पास जदीद मोबाइल है यानी नया मोबाइल है आपके पास तो पुराना है मेरे पास तो जदीद है इस साल का है कदीम जदीद उलट इसका मतजाद मजबूर का म, मजबूर जो होता है ना वो किसी पे डिपेंड करता है ठीक है तो मजबूर का उलट होगा मुख्तार जैसे आपने वो लफ्ज सुना होगा मैं तो भाई खुद मुख्तार हूँ मैं अपने काम खुद करता हूँ मैं अपने काम दूसरों पर नहीं छोड़ता मैं मजबूर नहीं हूँ कोई बंदा मुझे मजबूर नहीं कर सकता क्यों क्योंकि मैं तो मुख्तार हूँ खुद मुख्तार हूँ आजाद हूँ तो मजबूर का उलट होगा मुख्तार शहरत आम होना शोहरत होना मशहूर होना तो इसका उलट क्या होगा गुमनामी ठीक है ये बंदा तो बड़ा ही गुमनाम है जब देखो ये घर में ही रहता बाहर आता ही नहीं है ये तो गुमनाम है ये इतना मशहूर नहीं है तो गुमनाम इसको तो कोई भी नहीं जानता क्योंकि घर से निकलते नहीं तो कोई कैसे जानेगा इसको तो गुमनाम गुमनामी शोहरत का मुतजाद है ठीक हो गया उसके बाद है कलील इसका मतलब होता है थोड़ा कलील पानी बहुत कलील है खाना बहुत कलील है यानी थोड़ा है तो इसका उलट क्या होगा कसीर यानी ज्यादा कसीर मतलब ज्यादा कलील थोड़ा कसीर ज्यादा आज लोगों की कलील तादाद है यानी आज तो बहुत कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं तो आखिरी है आगाज और इसका उलट है अंजाम इस काम का आगाज तो आपने कर लिया लेकिन इसके अंजाम से वाकिफ हो या नहीं ये गुनाह तो आपने किया है लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है तो हमें तोबा करनी चाहिए तो ये थे अल्फाज के मतदान जो हमने देख लिए हैं अब हम नेक्स्ट uh, क्वेश्चन को देखते हैं जी को क्या है पांचवा दर्ज अल्फाज की जमा लिखे ये अल्फाज दर्ज की जमा लिखने है। पहला लफ्ज़ है फतह इसकी जमा है फतुह तवक्को मुझे तवक्को है कि मैं इस बार इम्तिहान में अव्वल आऊंगा ये तवक्को है सिंगल एक इसकी जमा क्या होगी तो मुझे आपसे बहुत सारी तवक्कुआत ठीक है मुझे आपसे सिर्फ एक ही तवक्कु है कि आप इम्तिहान में अव्वल आ जाओ फिर तो दूसरा कहते हैं मुझे तो आपसे बहुत सारी तवक्कुआत है मैं कहता तो हूँ इम्तिहान में अव्वल भी आओ और साथ में इल्म दीन भी हासिल करो और अच्छे अच्छे काम भी करो नेकियां भी करो और गुनाहों से बचो इतनी सारी तो है मुझे आपसे तो दूसरा कहते हैं मुझे तो सिर्फ एक ही तवक्कु है तो तवक्कु का तवक्कुआत ये जमा है एजाज इसका मतलब इसका जमा क्या एजाजात मैंने सिर्फ एक एजाज हासिल किया है मेरे पास तो बहुत सारे एजाजात हैं ठीक है ना उसके बाद है वक़्फ़ा वक़्फ़े का जमा क्या होगा वक़्फ़े हो वक्फा का जमा होगा वक़्फ़े कायदा कायदा का क्या मतलब होता है उसूल ठीक है ना कानून इसका मतलब कवायद इसकी जमा जब का मतलब शर्त इस पार्क में जाने की का क्या जबता है यानी क्या शर्त है आप कहीं इस पार्क में जाने की शर्त है जब्ता है दो रुपये की फीस जमा करवाना तो जब्ता का जमा क्या होगा जवाब यहाँ पे मानी लिखे हो यहाँ मानी की जगह क्या आएगा जमा का लफ्स आएगा ठीक है तो आपने मानी नहीं लिखना जमा लिखना है इख्तियार इख्तियारख्तियारत आपके पास तो सिर्फ एक इख्तियार है मेरे पास तो बहुत सारे इख्तियार हैं मैं तुमसे बड़ा अफसर हूँ मुझसे बच के रहना इस तरह की लोग धमकियाँ देती हैं तो जिसके पास थोड़े इख्तियार एक इख्तियार होता है उसको दो धमकियाँ देते हैं कि मेरे पास बहुत अख्तियार हैं बाज के रहना मुझसे गलती इसकी जमा होगी अगलात गलती होनी अगलात बहुत सारी अगलात हमने की हैं तो हमें उन अगलात से तोबा करनी चाहिए तो ये था पांचवा सवाल और उसका जवाब छठा सवाल क्या है जी नेक्स्ट सबक हॉकी के मुताबिक खाली जगह आप करें तो करते हैं गोल पोस्ट का सामने वाला रुख खुला होता है जबकि बाकी हर तरफ से मजबूत जाली लगी होती है ठीक है सामने वाला हिस्सा खुला होता है बाकी हर तरफ मजबूत जाली लगी होती है टे है हॉकी के हर वक्फे का दौरान्या 35 मिनट का होता है जीन क्या है पाकिस्तान ने हॉकी के बेशुमार नामवर यानी मशहूर और अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं अजीम का मतलब होता है बड़ा तो है कि, कि पाकिस्तानी टीम मुस्तबिल करीब में यानी कि बहुत जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी वो इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी तो वो अपना मकाम कहीं जगह खो बैठी है तो वो तो है कि वो अब हासिल कर लेगी अपना खोया हुआ मकाम उसके बाद आखिरी क्या है जी पाकिस्तान के हॉकी स्टाइल को एशियाई स्टाइल कहा जाता है तो ये खाली जगह थी जो हमने पुर कर दी है सबक के मुताबिक अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सेवन दर्ज अल्फाज को जुम्मन में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तजगिर तानीस वाज़े हो जाए उनका मतलब वाज़े हो जाए उनका मफहम वाज़े हो जाए पहला लफ्स क्या है जी खेल तो इसका जुमला क्या हम बना सकते हैं हमें खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए यानी कि हम हर वक्त खेलते ही रहे और कोई काम ही ना हो हमें ठीक है ना खेल का भी एक वक्त है कि कितना खेलना है यानी खेलते जा रहे हैं और नमाज का वक्त जाता जा रहा है सिर्फ खेल ही खेल हो रहा है, है और इल्म दिन सीखा ही नहीं अभी तक तो इस तरह नहीं करना हमने, हमने, हमने हमन, हमारा जिंदगी का मकसद क्या है इसको हमने देखना है तो हमें खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए खेल का कितना खेल को कितना वक्त देना है इसका भी हमें इल्म होना चाहिए ये ना हम हर वक्त खेलते रहें और अपना वक्त कीमती वक्त बर्बाद कर बैठे कमजोरी किसी भी खेल को मुसलसल खेलते रहने से कमजोरी हो जाती है ठीक है ना बंदा बीमार हो जाएगा तो एक हद तक खेलना है उससे ज्यादा नहीं मालूम हमें इस्लाम की मालूमत हासिल करके आखिरत की तैयारी करनी चाहिए हमने अगले जहान की तैयारी करनी है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हमने क्या करना है मालूम करनी है इल्म दीन हासिल करना है, क्योंकि यही जिंदगी का मकसद है इल्म दीन हासिल करना है और उसके तकाजे के मुताबिक अमल करना है और आखिरत में बुलंद दर्जात हासिल करने हैं। तो ये आखिरत की तैयारी करनी है आखिरत की तैयारी कैसे होगी जब हम इल्म दीन सीखेंगे इल्म दिन हासिल करेंगे तभी तो तैयारी कर सकते हैं ना आप गाड़ी कब चलाना कब चलाएंगे जब आप सीखेंगे गाड़ी चलाना आपने सीखी नहीं और गाड़ी ले और चलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा आप यहाँ तो किसी को मारेंगे या खुद मारेंगे तो अगर आप आपको गाड़ी लेने का शौक है तो पहले गाड़ी चलाना तो सीख ले इसी तरह हमने इस्लाम को कबूल कर लिया हम इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो अब हमने क्या करना है इस्लाम के जो तके हैं उसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी है जो इस्लाम हमने हुक्म देता है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है और आखिरत की तैयारी करनी है यहाँ तो हमने हमेशा रहना नहीं है तो हमने अगले जहां तो जाना ही जाना है तो उसकी भी तैयारी हमने करनी है उसके बाद है हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करके नाकामी से बच सकते हैं जी हाँ ये है नाकामी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है इस्लाम की तलीमत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना वरना क्या है हलाकत है यहाँ भी हलाक होंगे और आखरत में भी हलाकत हमारा मुकद्दर होगी तो इसलिए हमने क्या करना है अपनी जिंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बसर करना है जो मैं जॉब कर रहा हूँ क्या ये जॉब करना मेरे लिए हलाल है ये हराम है तो इस्लाम से पूछो तो इस्लाम की तालीमात कौन देंगे जो इस्लाम को जानने वाले हैं पाक में अल्लाह पाक फरमाता है फस इन ला अगर तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वालों से पूछो तो इसका मतलब अगर हमें इल्म नहीं है इस्लाम की मालूम नहीं है तो जिनके पास मालूम है उनके पास हमने जाना है उनसे पूछना है कि मैं ये जॉब करता हूँ क्या ये जॉब मेरे लिए हलाल है या हराम है ये खाना मेरे लिए हलाल है या हराम है तो उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करते रहेंगे इस तरह हमारी ज़िंदगी खत्म होगी हम मरेंगे अगले जहां जाएंगे और हमें कामयाबी मिल जाएगी और अगर हमने ऐसा ना किया हमने अपने नफ्स के मुताबिक और अपने जहन के मुताबिक और अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर की तो फिर नाकामी से हम बच नहीं सकते फिर आखिरत में अजाब के लिए तैयार रहना चाहिए ऐसे शख्स को हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं नेक्स्ट सेहत इसका क्या है जरूरत से ज्यादा खाते रहने से इंसान की सेहत खराब हो जाती है अब जो जरूरत से भूख है आपको दो रोटियों की और आपने तीन चार खा ली तो आपकी सेहत खराब ही होगी बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर भूख है दो रोटियों की तो डेढ़ रोटी खाओ यानी अभी भूख बाकी है और आपने खाना पीना छोड़ दिया तो ऐसा शख्स बीमार नहीं होगा उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ज्यादा देर तक जवान नजर आएगा अगर आप चाहती हैं ना कि आप ज्यादा देर तक जवान नजर आए या आपकी सेहत अच्छी रहे तो कम खाना शुरू कर दें ज्यादा खाना ना खाएं जितनी जरूरत है उतना ही खाए दो रोटी की जरूरत हो उससे थोड़ा कम खाए अभी भूख बाकी और खाना पीना छोड़ दें तो फिर देखें सेहत कैसी रहती है तो जरूरत से ज्यादा खाते रहने से इंसान की सेहत खराब हो जाती है संगीन नमाज को जान बूझ कर छोड़ना संगीन गुना है संगीन का मतलब हमने देखा था रीडिंग के दौरान बहुत बड़ा गुना है अब मतलब संगीन का मतलब होता है बहुत बड़ा संगीन गलती बहुत बड़ी गलती संगीन गुना बहुत बड़ा गुना तो नमाज को जान बूझ कर छोड़ना बहुत बड़ा गुना है कबीरा गुना है तो नमाज तो किसी भी हालत में मुआफ है ही नहीं जब तक हमारी अकल और सांस सलामत है बाकी है तब तक नमाज भी फर्ज है चाहे हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं अल्लाह ना करे किसी के एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया है किसी भी हालत में है उस पर नमाज फर्ज है जब वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी ही होगी अगर बैठ नहीं सकता तो खड़े होकर जैसा जिस हालत में भी है उसी हालत में नमाज पढ़नी होगी नमाज माफ नहीं है ये हमें में रखना चाहिए उसके बाद है घास तो घास का जुमला क्या बनेगा जमीन की खूबसूरती में इजाफा करती है इजाफा करता है ये ये तो तो आप, आप देख लें तो थे अल्फाज के जुमले और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी है आठवां क्वेश्चन क्या है जी सबक हॉकी के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानी निशानदी टिक से करें ओके हम करते हैं जी पहला है अगर खिलाड़ी जान बुझ कर गलती करे तो उसे खेल से नहीं निकाला जाता है क्यों तो नहीं निकाला जाता जान बुझ कर वो गलती कर रहा है तो उसको तो खेल से निकाल देना चाहिए निकाल देना चाहिए बल्कि निकाल दिया जाता है तो ये जुमला ये दुरुस्त नहीं है ठीक है नेक्स्ट पहला हो गया अब देखते हैं बे एशियाई हॉकी स्टाइल को नाकाम बनाने के लिए कवाद जवाब में यानी उसूलों में खेल की हॉकी के खेल के उसूलों में तब्दीलियां की गई क्या ये बात दुरुस्त है जी हाँ ये, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ये ऐसा ही हुआ था उसके बाद जीम क्या है जी खिलाड़ी अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है तो ये भी एक खेल की खूबी है जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने ठीक है वो अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है सही है उसके बाद दाल है हॉकी का आगाज लबनान से हुआ क्या लबनान से हुआ था हॉकी का आगाज नहीं जी नहीं ये तो ईरान से हुआ था इसका मतलब ये जुमला दुरुस्त नहीं है ये बात दुरुस्त नहीं है ये गलत है क्या हॉकी का खेल 1910 में ओलंपिक्स में शामिल हुआ ओ भाई किसने कह दिया आपको ये हॉकी के मजमून के मुताबिक तो ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत है तो इसका मतलब हॉकी का खेल 1908 में ओलंपिक्स में शामिल हुआ था ना कि 1910 में ठीक हो गया तो ये थी आज की एक्सरसाइज आज की मजमून की जो कि हॉकी है वो हमने देखी तो इन जो मज़ामीन हैं उनको कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपलोड किया जाए ताकि हमें फ़ायदा हो इसी के साथ आज का लेसन इख्ताम को पहुँचा इन नेक्स्ट लेसन में नए मजमून के साथ हाज़िर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज